पाकिस्तान सुपर लीग 2023 सीज़न 8 के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ट्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान। हम आज बात करने जा रहे हैं PSL 8 के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स पर। सबसे पहली अपडेट होगी मोहम्मद आमिर पर, और इसके अलावा दूसरी अपडेट्स में हम बात करेंगे पिशावर ज़ल्मी के वो खिलाड़ी जिन्होंने अब पिशावर ज़ल्मी को ज्वाइन कर लिया है PSL 8 के लिए। मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार हो चुके हैं और इसलिए मोहम्मद आमिर कुछ मैचों के लिए कराची किंग्स को अवेलेबल नहीं होंगे, और मोहम्मद आमिर कराची किंग्स के मैच में अवेलेबल नहीं होंगे फरवरी 22 को, जो कि मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ है। क्योंकि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर इंजरी का शिकार हुए कराची किंग्स का जब मैच था लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, उस मैच में मोहम्मद आमिर ने सिर्फ 2 ओवर्स करवाए थे, और इसलिए अभी तक ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक लेकिन वो जल्द ही अवेलेबल होंगे। कराची किंग्स का अगले से अगला मैच जो है वो भी मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़ है फरवरी 26 को। तो कराची किंग्स की मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि मोहम्मद आमिर फरवरी 26 को कराची किंग्स के लिए खेलते हुए हमें नज़र आएंगे। दूसरी अपडेट्स ये हैं कि अफ़गानिस्तान के स्पिनर मुजीबुर रहमान ने पिशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, और वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ आज रात वाले मैच में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा श्रीलंका के कप्तान जिनको पिशावर ज़ल्मी के स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया अब से कुछ दिन कबल, उन्होंने पिशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, वो भी सिलेक्शन के लिए आज रात अवेलेबल होंगे। तो ये थी PSL 2023 सीज़न 8 के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा।